हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए बनाते हैं रात का खाना। तो आज रात के खाने में बनेगा भरवा टमाटर, पालक पनीर, चावल, रोटी। तो चलिए बस उसी की तैयारी करते हैं। कुछ बहुत तैयारी हमने पहले से कर रखी थी, जैसे कि टमाटर भर के बनाने हैं तो आलू वगैरह बॉईल करके उसका जो भरता बनता है वो सारा मसाले वगैरह मिलाकर रख रखे थे। तो बस उसी में थोड़ा सा पनीर लेकर कद्दूकस कर लेंगे, और फिर टमाटर है उनका अंदर का गूदा निकाल के रखा है उसमें भर के, और फिर टमाटर बनाते हैं, फिर बाद में पालक पनीर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। उसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। मसाले हमने पहले से ही मिला कर रखे थे, बस नमक रह गया था तो उसे भी डाल दिया है। चलिए अब बनाते हैं खाना। टमाटर हैं, इन्हें कढ़ाई में तेल डालकर और इन्हें रख दिया है, और अभी इनको हल्का ढक देंगे। टमाटर हमारे पकते रहेंगे। दूसरी तरफ है वो पनीर की तैयारी करते हैं, तो हमने ले लिया है 250 ग्राम पनीर। इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे क्योंकि पालक पनीर में थोड़ा छोटा ही पीस अच्छा लगता है। और आज के पालक पनीर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बनाएंगे टमाटर की ग्रेवी पालक वगैरह डालकर। तो बस इस तरीके से पनीर को कट करके रख लिया है, और ये टमाटर है तो 3 टमाटर लिए थे, और जो ये टमाटर भर के हमने बनाए इसके अंदर का जो पल्प निकला था वो सारा बस पीस लेंगे मिक्सी के जार में डालकर। मेरी बड़ी बेटी है, उसने बोला कि मम्मी आप लहसुन डाल दीजिए, प्याज बेशक मत डालिए। तो बस वही लहसुन थोड़ा सा हमने छील लिया है इसमें। वैसे लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालने वाले थे हम, लेकिन उसने बोला लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है मम्मी। तो बस यहाँ पर बना लेते हैं टमाटर का पेस्ट और पालक का, बस ये सब बना कर रख लेते हैं। तो टमाटर हमने पीस के रख लिया था, इधर ये पालक भी पीस लिया है। ये देखिए पालक उबालते वक्त मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी उसमें, तो उसका कलर अच्छा सा आया है, नहीं तो बहुत वैसा डार्क डार्क सा कलर आता है, अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसलिए चीनी डाल दिया था। और अब इस तरफ रख लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल जब तक गर्म हो रहा है तो इधर ये टमाटर भी अपने चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर भी हमारे पक चुके हैं, इसमें ब्राउन कलर भी आ गया है एक तरफ, तो बस इधर ऐसे पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी हल्के ब्राउन हो जाएंगे, इससे टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। 5 मिनट और पकाएंगे टमाटर, तब तक इधर तेल भी गर्म हो गया है। तो बस अब बना लेते हैं पालक पनीर। तो यहाँ पर ये ले लिया है अपने मसालों का पिटारा, और इसमें से डाला है हमने जीरा, डाल देंगे थोड़ी सी हींग, और बस इसमें डाल दिया है ये टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था उसे भी डाल दिया है, और अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे।
और टमाटर जल्दी पक जाता है तो इसमें अब साथ में ही डाल देंगे हम अपने जो मसाले होते हैं सूखे, वो तो हल्दी पाउडर, मिर्च और नमक, ये सब हमने डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है तो बस इसे डालकर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल दिया है थोड़ी सी सब्जी मसाला भी, और सब्जी मसाला डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे, और जो हमने पालक की प्यूरी बना कर रखी थी उसे भी डाल के मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिलाते हुए पका लेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए ये इस तरीके से इसमें खदक आने लगी है, उसी कटोरी में डालकर थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल दिया है, उसे भी मिक्स कर लेते हैं। और डाली है थोड़ी सी चीनी, प्यूरी में भी चीनी डाली है और पालक उबालते वक्त भी चीनी डाली थी। तो बस इस तरीके से हमें ग्रेवी रखनी है, जितना आपको समझ में आए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ग्रेवी। हमें तो ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है, उस हिसाब से हमने पानी डाला था। और इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच भरकर क्रीम, जो घर की दूध की होती है मलाई, बस वो डाल दिया है। और डाल देंगे थोड़ा सा इसमें दूध, तो बाकी जो ग्रेवी एडजस्ट करेंगे वो दूध डालकर, और इसे बस इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। क्योंकि इसमें टमाटर भी है तो दूध और क्रीम जो हमने डाला है वो फटने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा इसे चलाते रहें बीच बीच में। और बस पनीर डाल देंगे, और ये झटपट से बनने वाली पालक पनीर की सब्जी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप लोग भी बनाइएगा। दूसरी तरफ ये हमारे टमाटर भी हो चुके हैं, ये टमाटर की सब्जी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है तो उनके लिए ही बनाया है, उन्होंने बोला था ये टमाटर की सब्जी जो है वो बना दीजिएगा, तो बस उन्हीं के लिए बनाया है उनकी फरमाइश पे। तो ये देखिए देखने कितनी अच्छी लग रही है, आप चाहे तो इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल सकते हैं। और ये हमारी पालक पनीर की सब्जी भी अच्छे से खोल चुकी है, तो इसमें डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी में। तो बस सब्जी हमारी तैयार है। ये देखिए इधर ये चावल निकाले हैं, इन्हें भी वॉश करके बस रख देंगे पकने के लिए, तो कुकर में हमने डालकर रख दिया है। ये चावल भी हमारे हो गए हैं, 1 सीटी में चावल हो जाते हैं कुकर में। तो चलिए अब बना लेते हैं रोटियां। तो यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है, रख दिया है तवा, तवा हमारा गरम हो जाए बस बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ, और रात का खाना बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो आटा हमने लगा कर रख लिया था बीच में ही, तरीके से हम रोटियां अपनी बना लेते हैं। और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगती है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा लिखकर, कोई गलतियां हो तो आप वो बताइएगा। चलिए अब रोटियां हमारी बन गई हैं, थाली भी हमने लगा लिया है। ये देखिए हमारी थाली कितनी अच्छी लग रही है। मैं
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी गलती हो या आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।